टू आवर चैनल लवल आकांक्षा। आज डे है ट्यूसडे और डेट है आज 9 अप्रैल और अभी 12:30 का टाइम हो रहा है। दोपहर से सुबह का तो सारा काम फिनिश हो चुका है। आज कपड़े धोने थे बट मैंने आज मशीन नहीं लगाए, इतने ज़्यादा सुबह से बारिश हो रहे हैं। बारिश सुबह जब मैं उठी थी उस वक्त काफ़ी अच्छी धूप थी और उसके बाद से कंटिन्यू बारिश होती जा रही है। तो कपड़े धोने का जो प्रोग्राम था वो भी कैंसिल हो गया। पीछे मेरा स्टैंड रखा हुआ है अलमीरा के ऊपर और अम्ब्रेला, क्योंकि बारिश का मौसम है। और अभी मैं सोच रही हूँ ना, बैठे बैठे कोई काम नज़र नहीं आ रहा है, सुबह सारा काम ख़त्म हो गया। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा हॉल को चेंज करूँ। अभी बहुत दिनों से, मतलब काफ़ी टाइम तक एक ही चीज़ देखते रहो तो थोड़ी सी बोरियत आ जाती है ना, थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा चेंज कर लो कुछ। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं वही करूँ। तो अभी मैं आपको जो अभी फ़िलहाल का है कैसे क्या है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं चेंज करने वाली हूँ, बस अभी यहाँ जो सोफे हैं उसे मैं पलंग की जगह पे कर दूँगी और पलंग को मैं सोफे की जगह पे कर दूँगी। बस यही मैं अभी करने वाला। अभी आप लोग एक बार देख लो, पलंग वहाँ है उसे मैं यहाँ पे लगाऊंगी और सोफे को उधर कर दूँगी। तो पहले मैं ये काम कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I...
देखिए मेरा हॉल जो कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा टाइम लगा है बट देखिए एक लुक मैं आपको दिखा दूं। और मैं इसके ऊपर की जो कुशन है वो नहीं लगाऊंगी क्योंकि कान्हा एक मिनट भी कुशन टिकने नहीं देता है, इसलिए मैं उसके ऊपर का कुशन नहीं लगाऊंगी। और मैं अभी टीवी चला करके काम कर रही थी और बस अब किचन में जाना है, किचन का थोड़ा बहुत काम है वो फिनिश करना है और रात के खाने का प्रिपरेशन करना है। तो चलिए अभी शाम के लगभग 7:30 का टाइम हो रहा है, मैं आ गई हूँ किचन में। एक साइड में दूध चढ़ा रही हूँ क्योंकि दूध कल का बचा हुआ था, मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन सा दूध पहले बॉयल करूँ क्योंकि बड़े भगोने में ताज़ा वाला है जो मैं अभी चढ़ाई हूँ वो फ्रिज का है, तो पहले मैं वही चढ़ा रही हूँ। तवा मैं गर्म होने के लिए रख दी हूँ क्योंकि मुझे बनाना है कान्हा के लिए चीला, वो कुछ नहीं खाता है तो उसके लिए मैं बना रही हूँ चीला। और साथ साथ मेरा दूध भी बॉयल हो जाएगा क्योंकि वो फ्रिज का रखा हुआ है। तो चलिए इसको इसमें डाल देते हैं और अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देते हैं। मुझे भी सूजी और दही का चीला मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मैं इसमें प्याज टमाटर मिर्च धनिया पत्ता सारा चीज़ डाल करके बनाती हूँ और वो कुछ नहीं खाता इसलिए उसे सादा बना के देती हूँ। सिर्फ दही में सूजी को घोल देती हूँ और इसे बिल्कुल इवनली स्प्रेड करना है, बिल्कुल पतला सा। और इसे करारा करके सेक लीजिए। चलिए ये इवनली स्प्रेड हो गया है और दूध भी ये वाला उतार करके मैं दूसरा चढ़ा दी हूँ। और दूसरे साइड मैंने पानी बॉयल होने के लिए रखा है और उसमें मैं थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ, एक चुटकी हल्दी, और थोड़ा सा मैं नमक डालूँगी, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। हल्दी गर्म पानी में डाल के उबाल दो तो उसका कलर रेड हो जाता है, बहुत ही अच्छा कलर हो जाता है। उसमें अगर आप पनीर डालो तो बहुत अच्छा कलर आता है पनीर का। चलिए वो तो बॉयल हो गया है पानी और दूध पूरा उबल चुका है, इसमें मैं डालूँगी सेवई। मैंने पहले से भून के इसे रखा हुआ था, पहले से मैं भून के रखती हूँ सेवई को ताकि जब भी मुझे बनाना हो दूध बॉयल करो और डाल दो, इसलिए भुना हुआ है। इसे मिक्स कर देते नहीं तो अंदर से लग जाएगा। और पानी भी हो चुका है तो इसे भी हटा देते हैं और मैं रखूंगी अब कढ़ाई पनीर को फ्राई करने के लिए। चलिए तो जब तक मेरी सब्जी बनेगी तब तक खीर भी बन जाएगी, तो दोनों चीजें साथ साथ हो जाएंगी। तेल मेरा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी पनीर। इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, ज्यादा बड़ा टुकड़ा मैंने नहीं किया है। चलिए पनीर भी फ्राई हो रहा है। और जब पनीर फ्राई हो जाएगा ना, ज़्यादा नहीं करना, हल्का सा करना है, और उसे निकाल करके मैं जो ये पानी उबाल करके रखी हूँ मैं इसमें इसे डाल दूँगी, ये वाले पानी में, ताकि पनीर का जो कलर है वो बहुत अच्छा हो जाए, देखने में बहुत अच्छा लगता है वो कलर। और पनीर ये पानी का कलर एब्जॉर्ब कर लेता है इसलिए, तो इसी में मैं प्याज आ गया काना मुझे परेशान करने। ओहो ये प्याज इसमें मैंने डाल दिया, प्याज को बस मैं ग्राइंड कर रही हूँ।
अब ये करने नहीं देगा, ये बोलेगा मैं करूँगा और यही करेगा। और मैं तब तक जा रही हूँ, उसमें जीरा डाल देती हूँ तेल गर्म है। जीरा जब हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, जल नहीं जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, फिर मैं उसमें प्याज डाल दूँगी। और ये तब तक लगा हुआ है प्याज को बारीक करने में, और जब तक मैं लूँगी नहीं तब तक ये करता रहेगा, चलाता रहेगा, क्योंकि ये चलाना बहुत आसान है ना, ऊपर बस एक बटन है उसको प्रेस किए रहो तो वो चलता रहता है। तो देखिए मेरा प्याज जो है कितना बारीक कर दिया है कान्हा ने, देखिए प्याज और मिर्च को। तो चलिए मैं इसे तेल में डाल देती हूँ, तेल बिल्कुल ही गर्म हो चुका है, इसमें मैं प्याज डाल रही हूँ। और अभी मैं इसमें टमाटर भी कर लूँगी, और जब तक मैं टमाटर को नहीं कर लेती तब तक यहाँ से हिलने वाला नहीं है, हिलेगा नहीं यहाँ से, इसको पता है कि अब टमाटर करना है। देखिए लग गई है फटाक से, अभी से हाथ बटाता है ये। चलिए टमाटर भी बारीक हो चुका है, टमाटर करके मैंने रख लिया है। अब मैं इसमें प्याज मेरा भून रहा है और इसमें मैं टमाटर डाल दूंगी, ताकि टमाटर से भी कच्चेपन का टेस्ट नहीं है, लास्ट में डालने में क्या होता है टमाटर से कच्चेपन का टेस्ट आने लगता है, इसलिए मैं टमाटर को प्याज के साथ ही भून लेती हूँ ताकि टेस्ट अच्छा हो जाए। और इसमें मैं सारे मसाले डाल दूंगी, ताकि सारे मसाले भून करके एक साथ तेल छोड़ दे। तो इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी, नमक, और बस एक मसाला और डालूंगी, वो है सब्जी मसाला। मैं पनीर वगैरह का मसाला नहीं रखती हूँ अलग से, क्योंकि वो कभी कभी यूज़ होते हैं, बाकी वेस्ट चले जाते हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ एक सब्ज़ी मसाला रखती हूँ जो मैं सारी सब्जियों में यूज़ करती हूँ। तो बस इतना ही डाल रही हूँ मैं, और इसको अच्छी तरीके से भूनना है, जब तक इसे तेल ना छोड़ दे तब तक इसे भूनिए। और तेल छोड़ने के बाद बिल्कुल ये ऐसे दिखने लग जाएगा, तो फ्लेम में कम कर रही हूँ। और इसमें मैं डालूँगी सबसे पहले मलाई, आप ग्रेवी किसी भी चीज़ की बना सकते हो, आप बादाम की भी ग्रेवी बना सकते हो, और आप नारियल पाउडर की भी ग्रेवी बना सकते हो, नारियल को पीस के भी ग्रेवी बना सकते हो। तो मैं आज मलाई डाल के ग्रेवी बना रही हूँ, क्योंकि बादाम डाल के डेली हमेशा वही बनता था, तो आज मैं इसमें मलाई डाल रही हूँ। तो इसे मैं मिक्स कर लूँगी मलाई डाल करके। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ग्रेवी बना सकते हो, आपको जिस चीज़ की ग्रेवी अच्छी लगती है। तो चलिए इसे मैंने मिक्स कर दिया है, इससे भी तेल निकलेगा, और पहले से भी तेल था तो तेल थोड़ा ज़्यादा लगेगा देखने में। और इसमें मैं डाल रही हूँ टोमेटो सॉस और थोड़ा सा सोया सॉस, हाफ चम्मच मैंने सोया सॉस डाला है। तो इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। चिली सॉस मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि मैंने इसमें ग्रीन चिली बहुत ज़्यादा डाला है, 5-6 डाल दिए हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करते रहिए, तो थोड़ी देर में वो 1 से 2 मिनट में तेल छोड़ देगा, मलाई जो डाला है उससे भी तेल निकल जाएगा। तो उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी पनीर, देखिए चारों साइड से तेल निकल गया है। तो अब इसमें मैं देखिए पनीर का कलर कितना अच्छा है, इसलिए मैं इसे हल्दी के पानी में डालती हूँ। तो इसमें मैंने पनीर डाल दिया है, इसे मैं मिक्स कर दूंगी। और इसकी ग्रेवी बनाने के लिए मैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं यूज़ करूँगी, इसमें मैं डाल रही हूँ दूध, जितनी मुझे इसमें पानी डालनी है उसके बदले मैं इसमें दूध डाल रही हूँ, दूध की ग्रेवी बना रही हूँ। बस इतनी ही रखनी है, इससे ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर और हल्का सा गर्म मसाला मैं छिड़कने वाली हूँ। मेरी सब्जी बन करके तैयार है, कलर भी सब्जी का बहुत मस्त वाला आया है, और टेस्ट भी बहुत अच्छा होने वाला है। हल्का सा गरम मसाला का पाउडर मैंने ऊपर से बुरका है, और
इसे मिक्स करके ढक देंगे ताकि इसका फ्लेवर पूरी सब्जी में अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। देख लीजिए सब्जी की थिकनेस बहुत अच्छी है, और अगर मैं इसमें सोया सॉस नहीं डालती ना तो ये बहुत ही उजला उजला हो जाता सब्जी, इसलिए मैंने इसमें सोया सॉस डाला है। चलिए मेरी सब्जी हो गई है, इसे बंद कर देते हैं, 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद खाना खाएंगे। और मैं अब एक्चुअली खीर में चीनी डाली है और चीनी ख़त्म था तो अभी चीनी आया, और मैं ये वाला चीनी यूज़ करती हूँ बियर नेक्ड का। ये चीनी बहुत ही अच्छी होती है। तो चलिए चीनी को डब्बे में डाल लेती हूँ पहले मैं, और खीर में भी डालनी है। अब खीर में मैं चीनी डालूँ, मेरा खीर भी बन चुका है, सब्जी मेरी ऑलरेडी बन चुकी है, खीर बस मैं इसे चीनी डाल करके और बंद ही करने वाली हूँ। चीनी थोड़ा ज़्यादा मैंने डाला है, और ये किशमिश बादाम मैं नहीं डालूँगी, बादाम मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं किशमिश अच्छी तरीके से मैंने धो लिया है उसे 3-4 पानी से बिल्कुल रगड़ रगड़ के, क्योंकि किशमिश में गंदगी बहुत निकलती है, उसे धो लिया। और अब मैं इसे खीर में डाल रही हूँ, और फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया, मेरा खीर बन करके तैयार है, इसे मैं ढक दूँगी। तो ये है मेरा खाना, पनीर की सब्जी, खीर, और मम्मी रोटी खाएंगी तो इसलिए मैं भी रोटी बनाई हूँ। तो मम्मी का खाना ये निकल चुका है और हम लोग चावल खा लेंगे। तो चावल अभी चढ़ा हुआ है, बना नहीं है, बन रहा है। और मुझे एक काम बहुत दिनों से करना था, हमेशा मैं आलस कर जाती थी कर लूँगी, वो ये कि अलमीरा के ऊपर मेरे बहुत ज़्यादा सामान बिखरा हुआ, तो वो होता क्या था कि काना कोई भी चीज़ खेलने के लिए लेता था, मैं उसे लेकर के ऊपर रख देती थी, तो उस तरीके से ऊपर बहुत सारा सामान इकट्ठा हो गया था, तो उसे खाली करना था, तो वो मैं अभी कर रही हूँ। तो चलिए मैं तब तक ये करती हूँ, और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप यहीं पर वीडियो को रोकिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करिए, और उसके बगल में बेल आइकन आएगा, उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरे नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो चलिए मैं फिर कल मिलूँगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।